मेरा नाम राकेश सूरजकर है, दुकान नंबर 49। हमारा दुकान कम से कम 17 साल से चल रहा है कादसा की नाल में 17 साल से हमारा दुकान चल रहा है। हमने डिपॉजिट भर के म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से दुकान लिया था, उन्होंने बोला था ये डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा ना हम तुम्हारे से दुकान लेंगे, तो हम हमारे हिसाब से धंधा कर रहे थे, तो बीच में ही रेलवे वाला आके रेलवे वाले को म्युनिसिपैलिटी ने बेच दिया। अब ये बात एक प्रॉपर्टी दो जन को बेचने जैसा हो गया है। म्युनिसिपैलिटी हमारे को पहले स्टार्टिंग में बेच दिया, अभी रेलवे को बेच दिया। अभी रेलवे वाले बोलते कि खाली हमारे को 1,11,000 रुपए दे गए अखे दुकान की जगह, दुकान का कीमत 1,11,000 रुपए देंगे, बाकी म्युनिसिपैलिटी बोलते हमारे को कुछ नहीं देंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे? हमारी मांग यही है कि हमारा अगर बेहतर मिले कि हम इतना साल से काम कर रहे हैं, अभी इतना साल हमने 17 साल पहले 2.25 लाख रुपए डिपॉजिट दिया था, अभी ये 2.25 लाख रुपए भी देवे तो भी ठीक, नहीं तो वो उतने पैसे में तो इधर कुछ नहीं आने वाला नहीं है। अगर 17 साल पहले हमारा 2.25 लाख रुपए का कहीं दूसरी जगह हिसाब किया होता आज की तारीख में 20-25 लाख रुपए हो जाता, हमारा वो भी गया ना ये भी गया सब कुछ गया। हमारे रेलवे वाले तो कोई टाइम ही नहीं, अभी का भी खाली करो करके बोल रहे हैं। ये कादसा की नाल में शॉपिंग सेंटर आता है, SMC शॉपिंग सेंटर।